हेलो दोस्तों, चलिए बनाते हैं आज लौकी के आसान और बहुत ही सिंपल तरीकों से रायता। ये लौकी को छील के छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है और इसे कद्दूकस कर लेते हैं। इस तरह से महीन महीन हो जाते हैं। देखिए ये हो गए हैं, सारे लौकी को इस तरह से मैंने कर दिया है। अब एक बाउल में सारे कद्दूकस किए हुए लौकी को डाल देती हूँ। ऐसे एक गिलास पानी डाल के बॉयल होने के लिए रख देती हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में वो बॉयल हो जाएंगे, ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, 5 मिनट ही रखना है। ये हो गए हैं मेरे 5 मिनट। ये देखिए इस तरह से हो गए हैं। सारे पानी को अब मैं इसे निकाल दूंगी ये छन्नी के सहायता से। ये छन्नी में सारे लौकी के जो मैंने बॉयल किए हैं उसे सारे को इसमें रख देती हूँ ताकि ये पानी अच्छे से गल जाए। और इधर मैं तब तक दही को अच्छी तरह से थोड़ा सा मिला लेती हूँ चम्मच से, इस तरह से ये अच्छे से मिल जाए, थोड़ा घोल हो जाए इस तरह से। हो गए हैं। अब इसमें हरी मिर्च कटी हुई और अदरक डाल देती हूँ। अदरक को भी मैंने कद्दूकस कर लिया है ताकि अच्छे से मिल जाए और स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें लौकी जो पानी गलने के लिए मैंने दिया था उसे हाथ की सहायता से थोड़ा थोड़ा पानी निचोड़ लेंगे। उसके बाद इसे दही में मिला देंगे इस तरह से। सारे लौकी को मिला देना है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं लौकी के रायते। इस तरह से सारे को इस तरह से उलट पलट के मिला लेंगे। ये देखिए मिल गए हैं। अब इसमें चाट मसाला डाल देंगे और जीरा पाउडर। जीरा मैंने पाउडर बना के रखा था जीरा का, उसे डाल देते हैं। जीरा पाउडर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। और इसमें नमक डाला है सफ़ेद वाला, स्वाद अनुसार थोड़ा काला नमक भी डाल दिया है। काला नमक से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। काला नमक किसी किसी लोगों को नहीं पसंद पड़ता है तो कोई बात नहीं है, नहीं डालें। और मेरे घर में कुछ लोगों को सरसों का पाउडर वाला रायता पसंद नहीं पड़ता है, इसलिए थोड़ा मैं इसे निकाल दी हूँ और थोड़ा मैं ये सरसों का पाउडर डाली हूँ और सरसों का तेल डाली हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये तैयार हो गए हैं लौकी के रायते।